लेट्स मेक अ गर्ल स्विंगिंग। तो उसके लिए आपको चाहिए एक बैंगल जिसमें कि आप सर्कल बनाओगे। उसके बाद आपको कलर करना होगा फ्लोरो येलो से। तो मैं इधर यूज़ कर रही हूँ फैबर कैस्टल का क्रेयॉन सॉरी पेस्टल कलर्स। तो मैं अब इससे ऐसे मैं इधर थोड़ा सा लगा ले रही हूँ ताकि मैं कलर करने में मुझे ज़्यादा अच्छे मतलब अच्छे से कलर होगा। तो मैं अब इससे थोड़ा बॉर्डर दे दूँगी, अच्छे से बॉर्डर दूँगी। उसके बाद इधर से मैं कलर करना शुरू करूँगी। तो आपको ध्यान से कलर करना होगा। अगर आपके पास जो फैबर पेस्टल मतलब जो भी ऑयल पेस्टल में एक आता है टेप, आप वो यूज़ कर सकते हो। मेरे पास वो टेप नहीं है तो मैं नॉर्मली ही कर रही हूँ। तो आपको चाहिए पहले फ्लोरो येलो जो कि ऐसा दिखता है, इतना लाइट लगेगा ये आपको, आपको बहुत सेटिस्फाइंग भी लगेगा। तो आपको ऐसे करना है और आपको ऐसे थोड़ा सा गैप निकालना होगा ताकि आप इसे इरेज कर सको। तो आपको कलर करेंगे हम, मैं आपको कलर करने के बाद मिलूँगी। तो गाइज मैंने अब इसे कलर कर लिया। अब आपको यूज़ करना होगा ये उससे थोड़ा सा डार्कर वाला, ये इतना भी डार्क नहीं है। तो आपको थोड़ा सा डार्कर वाला आपको इधर ऐसे मतलब आप ये वाला येलो यूज़ कर सकते हो जो कि है लेमन येलो। तो आपको इससे कलर करना होगा, मैं आपको कलर करने के बाद मिलती हूँ। तो आपको गाइस थोड़ा सा बॉर्डर जैसा आपको येलो ये और ये लेमन येलो आपको कलर करना होगा क्योंकि इतना भी नहीं चाहिए। उसके बाद आपको लेना होगा फ्लोरो ऑरेंज। तो फ्लोरो ऑरेंज को आपको कलर करना होगा जो कि थोड़ा सा लाइटर है, मैं आपको कलर करने के बाद मिलूँगी। तो गाइस कैमरा में थोड़ा सा पिंकिश दिख रहा है पर ये पिंक नहीं है। आपको उसके बाद यूज़ करना होगा नॉर्मल ऑरेंज जो आता है। तो मैं ऑरेंज यूज़ करूँगी, थोड़ा सा उससे डार्कर है मतलब ये डार्कर है पर मैं डार्क ऑरेंज यूज़ करूँगी इसके बाद वाले स्टेप में। इससे मैं कलर करूँगी, उसके बाद मैं स्टेप फॉलो करूँगी। तो मैं आपको कलर करने के बाद मिलूँगी। यस गाइस, तो मैंने ऑरेंज से कलर कर लिया। अब हम लेंगे डार्क ऑरेंज। तो मैं अब डार्क ऑरेंज यूज़ करूँगी, मैं इसे कलर करूँगी। अब इधर से मैं आपको मतलब ये थोड़ा रेडिश दिख रहा है पर यह है डार्क ऑरेंज। तो मैं आपको कलर करने के बाद मिलूँगी। तो मेरा कलर हो गया। अब हम इसे मर्ज करेंगे जो कि आप फिंगर से कर सकते हो। मैं अब इसे मर्ज कर रही हूँ, मैं आपको पूरा मर्ज करने के बाद मिलूँगी। तो गाइस मैंने मर्ज कर लिया और मैंने इधर आउटलाइंस भी ड्रॉ कर लिए। तो आपको क्या करना है, आउटलाइंस ऐसे ड्राइंग करना है और इधर से आपको अपने पेंसिल कलर से या आप पेंट से भी कर सकते हो। मैंने पेंट से नहीं किया क्योंकि घर गंदा हो जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं इससे पेंसिल कलर से कर रही हूँ, थोड़ा क्लीनली नहीं होगा बट अच्छा होगा। तो आपको इधर से ऐसे 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 मतलब आपको कलर करना होगा तो ये बहुत प्रेटी दिखेगा। और इधर आपको एक स्विंग दिखाना होगा पर मैं अभी स्विंग नहीं बना रही हूँ, जब हम इसे कंप्लीट कर लेंगे तब हम स्विंग बनाएंगे। तो गाइस मैंने इसे फुल कलर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इधर से आपको एक स्ट्रेट लाइन लाना होगा क्योंकि आपको स्केल से कटना होगा। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन लाना होगा इधर जो कि आप ऐसे करके स्केल करोगे। थोड़ा डार्क करना, अब ये मेरा हो गया। अब हम नेक्स्ट पोर्शन इधर से करेंगे जो कि मैं ऐसे ऐसे करके ले। तो गाइस अब मैं इस स्विंग को ड्रॉ करूंगी जो कि आपको ऐसे एक बॉक्स टाइप का हो जाएगा। और उसके बाद आपको नीचे आपको एक स्विंग ड्रॉ करना होगा, आपको ऐसे ऐसे करके आपको स्विंग ड्रॉ करना होगा। उसके बाद आपको इधर एक लड़की ड्रॉ करना होगा जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो गाइस मैंने बहुत शार्पन कर लिया है ताकि थोड़ा अच्छा हो। तो मैं अब मतलब इसका फेस बनाऊंगी इधर ऐसे ऐसे करके।
ऐसा करना, आपको एक लुक देना है जिसकी वो दिखेगा कि वो लड़की बैठी हुई है और कुछ सोच रही है बैठ के, तो ये लुक बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली में। तो हम अब क्या करेंगे, इसका बाल बनाएंगे। बाल को हम इसका मतलब इसका फुल बॉडी बनाने के बाद बनाएंगे। तो मैं अब इसे कलर करूँगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कलर करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलो मैं अब कलर करूँगी इससे। तो गाइस मेरा इतना हो गया। अब हम इसका बाल बनाएंगे जो कि बहुत प्रिटी लग रहा है।